हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं मुझे अंक गौरी स्टाइल्स पे. एंड ये वीडियो मैं लाइक बनाने की नहीं सोच रही थी ऐसी कुछ वीडियो, बट मुझे बनानी पड़ी. मैं कोई और वीडियो शूट कर रही थी एंड सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैं आप लोगों को एक ऐसा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो कि मुझे लगता है कि हर किसी को कर लेना चाहिए. सो बात यह है कि अभी रिसेंटली भूकंप आया है और दिल्ली NCR में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं. सो या किस किस ने भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए हैं मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वीडियो शूट करने ही जा रही थी एंड सडनली लाइक भूकंप के झटके मैंने खुद ने भी महसूस करे हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ आया है. सो आप सभी सेफ़ हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, सभी सेफ़ हैं एंड सेफ ही रहें हमेशा. सो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि एज़ यू नो कि कोरोना का कितना ज़्यादा लोगों के मन में एक डर सा जो है ना वो बस गया है कोरोना का, कि क्या हो गया और क्या है सारी चीज़ें, कि कैसे होगा, सब घर में बैठे हैं. सो ये सारी चीज़ें हैं जो एक कहते ना एक थोड़ा ऐसा हो गया कि अगर हमें हल्की सी छींक भी आ जाती है, खांसी भी हो जाती है ना, तो अब सबके मन में सिर्फ इतना ही यही आता है कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया. तो ऐसा कुछ आता है सबके मन में, मुझे लगता है कि आता ही होगा, क्योंकि ये एक डर हमारे अंदर बैठ गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइक डेथ केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते ही जा रहे हैं डे बाय डे, एंड कोरोना के जो केसेस हैं वो भी इंक्रीज़ होते ही जा रहे हैं डे बाय डे. सो गाइस, सिर्फ एक वो ही है, एक रब ही है जो हमें बचा सकता है. सो मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा प्रे कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्षमा मांगिए, उतना ज़्यादा लाइक दुआ मांगिए हर किसी के लिए कि वो जल्दी से इसको ठीक कर दे एंड सब जो है बिल्कुल ठीक हो जाए, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ये सब ना ख़त्म हो जाए. मतलब ये सारी जितनी भी टेंशन्स है ना इस दुनिया से, ये टेंशन ख़त्म हो जाए. सो उससे आप जितनी दुआ मांग सकते हैं ना उतनी ज़्यादा आप दुआ मांगिए. जो कोई भी गलती करी है ना, मतलब आज से पहले आपने जितनी भी गलतियां करी है ना उसके लिए एक बार क्षमा ज़रूर मांगिएगा पूरे दिन में. ज़्यादा लोग दुआएं मांगेंगे तो वो जो दुआ है वो बहुत जल्दी कबूल हो जाएगी. सो मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा दुआ मांग सकते हैं मांगिए, जितना ज़्यादा आप प्रे कर सकते हैं करिए, सबके लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और उनके लिए जो लाइक हॉस्पिटल्स में हैं पेशेंट्स. सो सब मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सब फटाफट से ठीक होकर घर पे आ जाएं और ये जो कोरोना जैसा वायरस है ना ये चुटकी में ख़त्म हो जाए. तो आप दुआ ज़रूर मांगिए. आज आपको मेरा एक अलग फेज़ नज़र आ रहा होगा, मेरा एक अलग रोल नज़र आ रहा होगा, अलग चेहरा नज़र आ रहा होगा, लेकिन गाइस सीरियसली मैं चाहती हूँ कि हर कोई स्वस्थ रहे और हर कोई खुशी खुशी रहे, हर कोई खुश रहे, स्वस्थ रहे, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो. बस मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे. सो गाइस प्लीज़ जितनी ज़्यादा हो सके दुआ मांगिए, प्रे करिए, क्षमा मांगिए. आई होप कि आप सभी घर पे सेफ होंगे और सभी सेफ रहें, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करती हूँ. और मैं चाहती हूँ कि वो ऊपर वाला जल्दी से दुआ कबूल कर ले कि हर कोई जो है जहाँ है जैसा है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे, खुश रहे, किसी को किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो और हर कोई हंसता हुआ रहे. सो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और जो वीडियो मैं आज शूट कर रही थी उस वीडियो में मिलेंगे. और अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय गाइस.